दोस्तों, आज के इस पार्ट में हम लोग ऑसिलोस्कोप के बारे में जानेंगे। ऑसिलोस्कोप क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसको कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है, और मैं इसके कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में आज बात करूंगा। फ्रेंड्स, ऑसिलोस्कोप के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि इसको समझ लेना, यानी कि कोई भी सिग्नल है उसके प्रॉपरली रीड करने के लिए इसके फंक्शंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये इनपुट कनेक्टर्स हैं, इनको हम लोग BNC कनेक्टर कहते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इसमें दो चैनल है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, यानी कि आप जितना मनी इन्वेस्ट कीजिएगा ये मल्टी चैनल भी हो सकता है। तो मेरा वाला दो चैनल का है। उसी तरह से बहुत सारे ऑसिलोस्कोप होते हैं, वो सिंगल चैनल भी होते हैं, डुअल चैनल भी होते हैं, 3 चैनल के भी होते हैं और 4 चैनल के भी होते हैं। अदर जो इनपुट कनेक्टर है वो है एक्सटर्नल ट्रिगरिंग के लिए, यानी कि ये जो कनेक्टर है वो एक्सटर्नल ट्रिगरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रोटरी एनकोडर्स हैं, इनको इनके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो जनरली बहुत ही सिंपली बताने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि चैनल 1 के सामने जो देख रहे हैं तो ये कुछ सेक्शन में डिवाइड होता है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला रोटरी एनकोडर है, यानी इसको हम लोग पोटेंशियोमीटर भी कह सकते हैं, तो ये वाला जो है वो वोल्ट्स पर डिवीज़न के लिए है। उसी तरीके से सामने वाला एक और जो है वो वर्टिकल पोजीशन के लिए है। तो वर्टिकल पोजीशन का मतलब आप लोग ये देख लीजिए, मतलब हम लोग ये जो सिग्नल है उसके पोजीशन को वर्टिकली एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से जो वोल्ट्स पर डिवीज़न जो होता है वो पर डिवीज़न कितना वोल्ट है वो मेज़रमेंट के लिए होता है। तो आप ये देख लीजिए, उसी तरीके से अभी हम लोग वोल्ट्स मेज़र करेंगे कि कैसे ऑसिलोस्कोप में वोल्टेज को मेज़र किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इसके पोजीशन को थोड़ा वर्टिकली एडजस्ट करेंगे, कोई भी इनिशियल लाइन पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों, पर डिवीज़न वोल्टेज का मतलब हो जाता है कि स्क्वायर आप लोग देख सकते हैं, यानी एक स्क्वायर का मतलब होता है 1 डिवीज़न। तो देख लीजिए, 5 वोल्ट पर डिवीज़न, यानी कि हमारा जो एक डिवीज़न में जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। और ऑसिलोस्कोप में वोल्टेज हमेशा वर्टिकली मेजर होता है और टाइम डिवीज़न हॉरिजॉन्टली मेजर होता है। तो यानी कि हमारा वर्टिकली कितना राइज कर रहा है वो हमें देखना है। तो आप देख लीजिए, एक इनिशियल पॉइंट ले लीजिए, ये वाला जो हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया जहाँ पे ये 2 इंडिकेट कर रहा है। तो आप देखिए कि ये 1 डिवीज़न हो गया, उसी तरह से ये 2 डिवीज़न हो गया, यानी कि 10 वोल्ट हो गया। और ये कुछ डिवीज़न्स जो होते हैं, आप देख सकते हैं कि ये डिवीज़न जो है वो 5 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि इसका जो एक पार्ट है वो 2 वोल्ट को इंडिकेट करता है। तो इसका जो एक डिवीज़न है वो 1 वोल्ट इंडिकेट करता है। अच्छे तरीके से अगर मेज़र करें, प्रिसाइजली मेज़र करें, तो ये 11 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन हम लोग इसको 11 वोल्ट कह सकते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके चैनल के लिए, यानी कि हमारा जो फर्स्ट चैनल है उसके लिए एक मेनू बटन दिया हुआ है, और सेकंड चैनल के लिए भी एक सेपरेट मेनू बटन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे क्या क्या होता है। इसमें कपलिंग मोड है, तो कपलिंग मोड AC, DC और ग्राउंड हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों, प्रोब, यानी कि प्रोब में 2 पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोब में आप लोग देख सकते हैं कि 1x और 10x का फीचर होता है, इसको हम लोग प्रोब एटेन्यूएशन कहते हैं। तो ये हम लोग ऑसिलोस्कोप से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग 10x के तरफ नॉब को रखेंगे तो हमें प्रोब का जो एटेन्यूएशन है वो 10x लेवल पे रखना होगा, 1x पे है तो 1x लेवल पे रखना होगा। ऐसे बहुत सारे प्रोब्स होते हैं वो 100x भी सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, जो प्रोब आते हैं वो 100x 1000x में भी आ सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा परचेज़ करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, अभी 1x है, वैसे अभी 10x पे किया हुआ है, उसी तरह से 100x पे भी कर सकते हैं, 1000x पे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक फंक्शन होता है और ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग प्रोब एटेन्यूएशन को सही लेवल पे नहीं रखिएगा तो आपका जो रीडिंग होगा, यानी वोल्टेज रीडिंग, सिग्नल रीडिंग, या फिर हो सकता है और भी जो रीडिंग्स आप ले रहे हों उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और वो सही तरीके से रीड आप नहीं कर पाइएगा।
दोस्तों उसी तरह से आता है हमारा टाइम डिवीज़न। तो ये टाइम डिवीज़न किस लिए यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई भी सिग्नल है वो हम लोग इस तरह से बहुत ही गंदा टाइप आ रहा है, यानी कि इस तरह का आ रहा है, तो टाइम डिवीज़न एडजस्ट करके हम लोग प्रॉपरली कोई भी सिग्नल को ट्रिगर कर सकते हैं, यानी कि सही तरीके से मोनिटर कर सकते हैं। तो टाइम डिवीज़न का मतलब क्या होता है, इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे 5 मिली सेकेंड लिखा हुआ है, यानी कि एक डिवीज़न जो है वो 5 मिली सेकेंड को इंडिकेट करता है। और जैसा मैंने बताया कि वोल्टेज जो होता है वो वर्टिकली होता है और जो टाइम डिवीज़न होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। तो आप लोग देख लीजिए कि हमारा जो ये राइज टाइम है वो आप देख सकते हैं कि 1 डिवीज़न में है, यानी कह सकते हैं कि हमारा राइज टाइम जो है वो 5 मिली सेकेंड के लिए है। उसी तरीके से हम लोग फॉल टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, या फिर कोई भी सिग्नल है उसके सिग्नल स्पाइक को भी मेजर कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ऑसिलोस्कोप में जो ट्रिगर फंक्शन है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि कोई भी सिग्नल है अगर वो ऑसिलोस्कोप उस सिग्नल को प्रॉपरली ट्रिगर नहीं कर पा रहा है तो वो सिग्नल आपको सही तरीके से आप नहीं देख पाएंगे। तो ये ट्रिगर फंक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, सपोज़ कीजिए कि हम लोग चैनल 2 में कोई भी सिग्नल है वो इनपुट देते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मीनू बटन को प्रेस करेंगे। तो मीनू बटन में आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आते हैं। तो सबसे पहले हमें जो सोर्स है उसको सिलेक्ट करना है, तो सोर्स जो है वो ऑलरेडी चैनल 2 पे है, अगर नहीं है तो उसको कर दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग मीनू बटन को ऑफ कर देंगे और हम लोग ट्रिगर लेवल एडजस्ट करेंगे, यानी कि ट्रिगर लेवल जो है उसको एडजस्ट करके कोई भी स्पाइक है सिग्नल में, कोई भी स्पाइक जो है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं ट्रिगर लेवल के अबव जाता हूँ तो ये जो सिग्नल है वो सही तरीके से नहीं दिखता है, तो इसको लेवल में लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कोई भी सिग्नल है उसके उसको हम लोग टाइम डिवीज़न से बहुत ही ज़्यादा शार्प करके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें एक छोटा सा स्पाइक है, यानी कि ये स्पाइक कुछ देर के लिए थोड़ा सा हमारा टाइम लेवल जो है उसमें ऊपर जाता है, यानी कि वोल्टेज थोड़ा सा इसका चेंज हो जाता है। यानी सपोज़ कीजिए कि 5 वोल्ट पर डिवीज़न है, तो आप देख सकते हैं जो सिग्नल है वो हमारा 11 वोल्ट के आसपास है, लेकिन ये कुछ देर के लिए 12 वोल्ट को टच करने लगा है, तो इसे ही हम लोग वोल्टेज स्पाइक बोलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का हो सकता है, तो ये अगर ये इस लेवल पर आता तो हम लोग ट्रिगर लेवल को यहाँ पे एडजस्ट करके और ये जो स्पाइक है उसको अच्छे तरीके से मॉनिटर कर पाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों जो ट्रिगर लेवल है उसका और भी बहुत सारा यूज़ होता है, यानी कि अगर कोई भी हम लोगों को सिंगल शॉट मोड में कोई ऑसिलोस्कोप जो है वो हमारा सिंगल शॉट मोड में वर्क कर रहा है, तो ट्रिग लेवल जो है उसको एडजस्ट करके हम लोग उस स्पाइक को कैप्चर कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे ये होता है। जैसे दोस्तों ये एक स्पॉट वेल्डर है जो मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, तो ये बटन प्रेस करने पे एक पल्स जनरेट करता है, तो हमें ये पल्स को कैप्चर करना है क्योंकि ये कुछ मिली सेकेंड के लिए होता है, तो इसको हमें कैप्चर करके इसके वेव फॉर्म को चेक करना है। तो ये कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो ऑसिलोस्कोप जो है वो वेव फॉर्म को कैप्चर कर रहा है, लेकिन ये प्रॉपरली इसको सही तरीके से हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर कोई भी हमारा डिवाइस है वो एक पल्स जनरेट करता है और उसे हमें कैप्चर करना है, तो उसके लिए हम लोग सिंगल शॉट मोड का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सिंगल यहाँ पे एक बटन है ऑसिलोस्कोप में जहाँ सिंगल लिखा हुआ है, तो सिंगल शॉट मोड का यूज़ करने के लिए हम लोगों को ट्रिगर लेवल का बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर लेवल क्या होता है, इसको कैसे एडजस्ट करना है। तो आप लोग ये देखिए कि हमारा वोल्ट्स पर डिवीज़न कितना है, यानी 5 वोल्ट्स पर डिवीज़न है,
उसी तरह से हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिग्नल कितने एम्पलीट्यूड का है। अगर आप लोगों को रफली भी पता होगा कि सिग्नल 12 वोल्ट के आसपास का होगा, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है। 5 वोल्ट्स का हमारा पर डिवीज़न है, तो हम 6 वोल्ट पे 7 वोल्ट पे ट्रिगर लेवल को एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग सिंगल शॉट वाला जो बटन है उसको प्रेस कर देंगे। और जैसे ही हम लोग एक सिग्नल जनरेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेव फॉर्म कैप्चर हो चुका है और इस वेव फॉर्म को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया ऑसिलोस्कोप का कुछ बेसिक फंक्शन। अगर आप कुछ एडवांस फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।